नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% वर्किंग ट्रिक बताने वाला हूं कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप मनी को ऐड कर सकती हैं और UPI के माध्यम से किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो एक्सक्लूसिव होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सारा बात और सारा ट्रिक का फंडा मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कोटक 811 अकाउंट एप्लीकेशन की। आप सभी को पता होगा कि कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट में डेबिट कार्ड से भी मनी लोड होता है, लेकिन उसकी लिमिट जो है 1000 रुपये से कम आप नहीं लोड कर सकते हैं और 3 टाइम ही आप डेबिट कार्ड से अपना मनी ऐड कर सकते हैं कोटक 811 में। ऐसे तो आप सभी को पता है कि कोटक 811 में वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। जो TMW वॉलेट वगैरह का था वो भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक वर्चुअल डेबिट कार्ड ही कोटक 811 में काम करेगी, जिसमें आप आसानी से मनी को ऐड करके किसी भी बैंक अकाउंट में UPI से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही एक्सक्लूसिव ट्रिक प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले घंटी पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, तभी हमारे द्वारा अपलोड किया गया सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम कोटक 811 में अपना अकाउंट को लॉगिन करते हैं और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। जो कल हमने एक ट्रांजेक्शन किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हमने कोटक 811 में लॉगिन एक्सेस कर लिया है। एक्सेस करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट आप देख सकते हैं 1015 रुपये शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हिस्ट्री आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए यहाँ पर अकाउंट एक्टिविटी पर क्लिक करती हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मैं ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऐड किया है 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपये हमने ऐड किया 7 अप्रैल 2019 को, जो ये पैसा वर्चुअल डेबिट कार्ड के द्वारा ऐड किया गया है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन से वर्चुअल डेबिट कार्ड आखिर कोटक 811 में ऐड करने में, मनी ऐड करने में सक्षम होती है। तो दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगा TMW वॉलेट का वर्चुअल डेबिट कार्ड का। अब आप लोग सोच रहे होंगे TMW वॉलेट का वर्चुअल डेबिट कार्ड कोटक 811 एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं जरा सा। मैं आपको बता दूं कि कोटक 811 में आपको रुपे डेबिट कार्ड, जो TMW वॉलेट का रुपे डेबिट कार्ड है, वो यहाँ पर 100% काम कर रहा है। अगर यहाँ पर आपका TMW वॉलेट का पुराना अकाउंट है तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, उसमें आपको रुपे डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है कि किस तरह से रुपे डेबिट कार्ड आप प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने कार्ड पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा रुपे डेबिट कार्ड शो हो चुका है, जो TMW वॉलेट का है, फेडरल बैंक द्वारा जारी किया गया है। तो सिंपल से सबसे पहले आपको TMW वॉलेट में मनी को ऐड करना पड़ेगा। याद रखें 1000 से कम जो है अमाउंट यहां पर ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोटक 811 एक बार में 1000 लेती है, यानी कि कम से कम 1000 मनी ऐड करवाती है। तो यहां पर अगर 900 या फिर 800 करने को सोच रहे हैं तो ऐसा कोटक 811 फैसिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले आप वेरीफाई हो लीजिएगा कि यह ट्रिक कब डाली गई है और काम करता है या फिर नहीं करता है। तो सबसे पहले आप लो अमाउंट ही ट्रांजेक्शन करके देखिएगा। तो सिंपल से हम यहाँ पर लोड मनी पर क्लिक करते हैं। लोड मनी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम 1000 रुपये सेलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट पेज में UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की ऑप्शंस आती है। तो आप चाहे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अपना मनी ऐड कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से अपने TMW वॉलेट में मनी को ऐड कीजिए। चलिए यहाँ पर मेरा क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी सेव है, तो यहाँ पर CVV नंबर डाल के हम लोड 1000 पर क्लिक करते हैं। लोड 1000 पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेस में है, तो OTP के माध्यम से पेमेंट अभी कंप्लीट होगा। तो यहां पर फाइनली जो प्रॉब्लम था सर्वर डाउन का TMW वॉलेट में, वो क्लियर हो चुका है। तो फाइनली OTP भेजे गए हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंक के साथ लिंक है उस पर। तो हम अभी OTP एंटर करके सबमिट करेंगे। तो हमने यहाँ पर OTP डाल के सबमिट किया। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन प्रोसेस में है, थोड़ा देर में पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारा TMW वॉलेट में लोड मनी सक्सेसफुल हो चुका है। आप वॉलेट वैलेंस देख सकते हैं 1020 रुपये बताया गया है। तो सिंपल से लोड मनी करने के बाद आपको यहाँ पर कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। कार्ड के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड शो हो जाएगा, जो एक रुपये डेबिट कार्ड है। इस कार्ड नंबर को आप कॉपी कर लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए और सीधा आपको आ जाना है कोटक 811 अकाउंट में। तो दोस्तों हम वापस से आ चुके हैं कोटक 811 अकाउंट के एप्लीकेशन में। तो सिंपल से कोटक 811 जहां पर लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर हम ऐड मनी की प्रोसेस करेंगे, यानी कि 1000 रुपये मिनिमम ऐड करना होता है। तो सिंपल से यहां पर आप क्लिक कीजिए ऐड मनी टू योर कोटक 811, यहां पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, यहां पर 1000 रुपये एंटर कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम 1000 रुपये ही यहां पर ऐड होता है, उससे कम चाहेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड की ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो चलिए डेबिट कार्ड की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर के जगह पर आपको TMW वॉलेट का वर्चुअल डेबिट कार्ड, जो एक रुपए डेबिट कार्ड है, वो नंबर वगैरह सारा कुछ एंटर कर देना है। तो चलिए यहां पर हम एंटर कर देते हैं। हमने TMW वॉलेट का वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर सारा कुछ यहां पर एंटर किया। एंटर करने के बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए यहां पर हम पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद पेमेंट प्रोसेस में है। थोड़ा देर में यहां पर TMW वॉलेट की तरफ से OTP भेजी जाएगा और OTP भेजने के बाद हम जब OTP एंटर करेंगे तो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OTP हमसे खोजा जा रहा है। तो जस्ट थोड़ा देर वेट करते हैं, जब OTP आती है हम OTP यहाँ पर एंटर करके प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों OTP आ चुका है, हम OTP यहां पर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए सबमिट पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर में ये पेमेंट प्रोसेस में है और कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं TMW वॉलेट की तरफ से मैसेज आ चुका है कि पैसा जो है कट चुका है और कोटक 811 में फाइनली ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप कोटक 811 में वर्चुअल डेबिट कार्ड से मनी को ऐड कर सकते हैं और TMW वॉलेट में आप क्रेडिट कार्ड से मनी को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जो ट्रिक बताया ये कब तक काम करेगा मुझे ये पता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं, जब तक काम कर रहा है तब तक आप आसानी से इसमें प्रोसेस कर सकते हैं और काफी आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हैं UPI के माध्यम से, और TMW वॉलेट का पैसा भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उसमें क्रेडिट कार्ड से ऐड करके कोटक 811 में ऐड करके UPI के माध्यम से काफ़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूं कि आखिर UPI से आप कैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो सिंपल से हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर 1015 रुपये अभी भी बता रहा है, यानी कि थोड़ा देर में ये मनी लोड कर दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगता है। आप सभी को पता होगा कि कोटक 811 में मनी शो होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, अगर आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से लोड मनी करते हैं तो। तो दोस्तों यदि आपको UPI से ट्रांसफ़र करना है अपने किसी भी बैंक अकाउंट में, तो सिंपल से यहाँ पर जो भीम UPI लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको MPIN डालना होगा, जो 6 डिजिट का MPIN आप बनाए होंगे वो डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको नज़र आ जाएंगे। सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पर सेंड मनी की ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप VPA या फिर किसी अकाउंट में भी पे कर सकते हैं जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो सिंपल से आप यहाँ पर VPA को एंटर कर दीजिए या फिर यहाँ पर पे टू अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सारा कुछ एंटर कर दीजिए और अमाउंट एंटर कर दीजिए और फ्री में फंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सारा कुछ एंटर करके आपको ट्रांजेक्शन करके भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर PTM पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर एंटर कर दिया है और 100 रुपये ही यहाँ पर एंटर किया है डेमो के तौर पर। तो यहाँ पर हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक बार और कन्फर्म खोजा जाएगा, तो हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइनली ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सक्सेसफुली। देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से कि यह पैसा जो है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो थोड़ी देर में आपको ये PTM पेमेंट बैंक पर पैसा आ जाएगा, मैं वो भी आपको स्टेटमेंट दिखा देना चाहूंगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं PTM पेमेंट बैंक का स्टेटमेंट, यहां पर 100 रुपये फाइनली सेंड किया गया है। आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल नंबर है वो यहां पर एंटर है, @Kotak लगा हुआ है, यानी कि 100 रुपये हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं कि बहुत से लोग कह रहे थे कि आप जो भी ट्रिक बनाइए वो टेलीग्राम चैनल वगैरह पर शेयर कीजिए और यूट्यूब पर शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रिक वगैरह है वो बंद हो जाती है। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल से भी बहुत सारे यूट्यूबर लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी,
भी मैंने पोल किया था तो वहाँ पर लगभग 40% से 45% यस में गया था, यानी कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। तो ये भी हो सकता है कि उस टेलीग्राम चैनल पर जब हम ट्रिक को पेश करें तो आपको वो यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, उन यूट्यूबर द्वारा वो यूट्यूब पर देखने को मिल जाए, फिर वो भी ट्रिक बंद हो जाएगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर ये सही रास्ता क्या होगा, कैसे मैं आप सभी के बीच में नया नया ट्रिक पेश कर पाऊँ। हालांकि मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ट्रिक अभी भी बाकी है जो आप लोगों के बीच आनी बाकी है, लेकिन मैं उसे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं नहीं डाल रहा हूँ, ताकि वो भी ट्रिक कहीं ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। बाकी के अपना दिमाग आप लगा सकती हैं, बहुत जल्द एक नया वीडियो मैं पेश करूंगा जिसमें मैं कुछ थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा ताकि आप खुद से ही ट्रिक वगैरह खोज सके और ट्रांसफ़र कर सके। तो दोस्तों, आप सभी को मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि यदि INT हिंदी टेक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको नया नया ट्रिक ज़रूर ढूंढ कर दूंगा। आप टेंशन ना लीजिए, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहिए। तो इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो वही जगह हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।